मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं और इसी खुशी में अगर अभी तक आपने बाइक मेड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेकू इट थैंक यू सो वेरी मच जी पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और होंडा की जो वीडियो थी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आज तफसीली एस जीरो एट का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं और मेरा ख्याल है कि आई मीन यू विल डेफिनेटली गई लव दिस वीडियो और मोटरसाइकिल इट क्योंकि एक फ्लक्स आ चुका है मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स का तो होंडा बींग होंडा इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन के आपके पास एक होंडा का अहतमान तो है ना भाई वो भी इंटरनेशनल लेवल का तो वन नाट गो फॉर होंडा तो चलिए चलते हैं फैसल भाई की जाने और देखते हैं कि आज वो कैसा रिव्यू लेके आए हैं हमारे लिए और बाइक कैसा है एस सीरोट और प्राइस क्या है उसकी ज़रूर चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम इज अगेन द कैप्टन चलिए बढ़ते हैं बाबर आजम के सबसे बड़े फैन फैसल भाई की जान जिन्हें पता ही नहीं है बाबर आजम के बारे में कुछ लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हज उन्हें जबरदस्त रिव्यू के साथ अभी जैसे कि आपने रिसेंटली वीडियो देखी जिसके अंदर आपको जितना भी हमारे पास लेटेस्ट स्टॉक है होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर के वाले से बारे में डिटेल आपको बताया था जो भी मॉडल्स हैं तो वन बाई वन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तमाम मॉडल्स की जो है डिटेल रिव्यू भी करेंगे इसके साथ इसकी टेस्ट राइड भी करेंगे तो आज इस मॉडल का रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा का एस जीरो एट मॉडल है नया लेटेस्ट मॉडल है दो हज़ार चौबीस का इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, डिस्कस करें इस वीडियो में तो तो वीडियो तक जरूर जी और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट रिम से तो इसका जो बेसिकली फ्रंट साइज रिम है वो टेन इंच का है और जो टायर साइज है इसका अस्सी सौ दस का फ्रंट के ऊपर कैंडा का टायर इसके अंदर यूज किया गया है टायर की आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं पैटर्न देख सकते हैं और दूसरा जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है फ्रंट के ऊपर काफ़ी अच्छा है फ्रंट के ऊपर सिंगल डिस्क है और सिंगल पिस्टन कैलीबर काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ऑंडा की जानब से यूज़ किया गया है और जो शॉक सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी है बाकी टेस्ट राइड के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस देख लेंगे बाकी जो सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छी की है स्पेशली जो इसकी लाइट देख आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन लाइट यूज़ की गई है प्रोजेक्शन लाइट चेक कराने से पहले मैं आपको इसकी चेक करवाऊँगा एन स्मार्ट कार्ड ये इसके एन कार्ड है नेटवर्क फाइल ट्रांसफर सिस्टम जो इसके अंदर यूज़ किया गया है होंडा की जानब से और यह अपने अपने जो है कार्ड अपने पास रखना है और जैसे इसके यहाँ पे आप एन के लिए यहाँ पे इसको टच करेंगे तो ये इजीली आपका स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ और यहाँ पे जो है आपको बहुत ही ख़ूबसूरत किस्म का फ्रंट के ऊपर जो है यहाँ पे पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और इसके साथ यहाँ पे बहुत ही ख़ूबसूरत किस्म के तीन प्रोजेक्टर दिए गए हैं जिसके अंदर आपको जो है लाइट की ऑप्शन मिल जाती है लो एंड हाई बीम लाइट की थ्रो भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ ही जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं यही डी जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं टर्न सिग्नल्स के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का डिज़ाइन किया है होंडा की जानब से और अभी यहाँ पे आपको इसका मीटर डिस्प्ले है वो भी चेक करा लेते हैं क्लोजअपली ख़ूबसूरत किस्म का स्मार्ट डिजिटल मीटर है इसके ऊपर और यहाँ पे आपको इसकी बैटरी बाहर मिल जाती है और इसके साथ आपको बैटरी परसेंटेज भी मिल जाती है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बैटरी की कितनी परसेंटेज रह गई है तो इसमें आपको जो एहतियात करनी है कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है किसी ब्रांड का है तो थर्टी परसेंट से कम नहीं करना चाहिए उससे ये होता है कि जितनी आपकी बैटरी आप डाउन करेंगे थर्टी से कम करेंगे तो उससे जब बैटरी पर इम्पैक्ट पड़ता है और बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है तो यह है कि थर्टी से कम ना रखें और जो इसको चार्जिंग अगर आपने करनी है तो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव है हंड्रेड परसेंट से करें उससे ये होता है कि आप जितने हंड्रेड परसेंट बार बार चार्ज करेंगे तो उससे जिसके जो बैटरी साइकिल्स हैं वो कम होते हैं तो ये जो है मोबाइल्स के अंदर भी ऐसा है आईफोन ने भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अपनी बैटरी के ऊपर कि जितने भी नए मॉडल हैं फिफ्टीन सीरीज़ के अंदर उसके अंदर आपका एट्टी परसेंट के ऊपर बैटरी जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है चार्जिंग के ऊपर तो उससे यह है कि बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको राइट साइड ग्रिप तो राइट साइड जो ग्रिप है इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ पार्किंग का और इसके साथ ही यहाँ पे नीचे ये इसका बटन जो है वो पार्किंग का बटन है जैसे आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो ये ड्राइव मोड पे चला जाता है और इसी मोड पे आप प्रेस करें तो दोबारा पार्किंग पे भी ये आ जाता है इसके साथ ही जो इसकी फ्रंट जैसे कि डिस्क ब्रेक है तो यहाँ पर ऑयल रिजन वाइट विंडो भी मौजूद है जिसकी मदद से आप इसका जो है लेवल है वो भी चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही जो लाइट हाई लो की ऑप्शन है वो लेफ्ट साइड ग्रिप के ऊपर है इसके साथ टर्न सिग्नल्स की इंडिकेशन है और सबसे लास्ट में हारनन की इंडिकेशन मिल जाती है एंड्रॉइड फ़ोन right के लिए आपके स्मार्ट डिवाइसेस के लिए यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है जिसकी मदद से आप इजीली कोई भी अपना डिवाइस को चार्ज करना चाहें वो कर सकते है। हैं यहाँ पर हुक भी प्रोवाइड की गई इसके ऊपर आप छोटा मोटा लगेज रखना चाहें तो वो ईज़िली रख सकते हैं सीट जो है इसकी काफ़ी अच्छी कम्फर्टेबल स्मार्ट सीट बनाई गई है और इसके साथ ही इसके जो सीट को लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको इसके बैक साइड पे इसका लॉक मौजूद है इसको जैसे अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे यह कंपार्टमेंट मौजूद है बैटरी पैक का इसकी बैटरी पैक ईज़िली डे डी अटैचल है आप इसको निकालना चाहें तो ईज़िली आप इसको निकाल भी सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ से इसका जो प्लग वायर है उसको यहाँ से डिसकोनेक्ट करेंगे और इसके साथ ही ये आप बैटरी पैक जो है ईज़िली इसको बाहर निकाल सकते हैं इसका बैटरी पैक है और अड़तालीस वाट चौबीस एमपेयर की लिथियम आयन बैटरी है और होंडा की जैसे होता है कि पूरी दुनिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप देखें तो बहुत खूबसूरत किस्म की अच्छी इसकी बनाई गई है और आप कहीं भी किसी भी फ्लोर में ऑफिस में हैं घर में हैं फ्लैट पर हैं या ऑफिसिज़ आपका ऊपर दूर है पाँचवें छठे फ्लोर के ऊपर तो आप इसको ईज़िली उतार के ले के जा सकते हैं और चार्जिंग करने के बाद दोबारा भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करूं तो ये तकरीबन चार से पाँच घंटे के अंदर आपका मैक्सिमम फुल चार्ज हो जाती है और वन चार्ज के ऊपर आपका ये एटी किलोमीटर माइलेज देने की सलाहियत रखती है इसी में जो दूसरा वेरिएंट है हमने इसके ऊपर एडिशनल सीट लगाई है ये भी ऑप्शनल होती है ये भी अगर आपको चाहिए तो लगा सकते हैं पीछे यह है कि बच्चा ईज़िली बैठ सकता है अडल्ट जो है बंदा वो आगे बैठ सकता है बच्चा पीछे ईज़िली बैठ सकता है और इस टाइप की खूबसूरत सी सीट है होंडा की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर मौजूद है और इसके साथ ही ये इसका ज़बरदस्त किस्म का चार्जर है जिसकी मदद मतलब से आप इसको चार्ज करेंगे जब हमने एक चार्जर इसका लगाया भी हुआ स्कूटर के ऊपर ये जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे इसका प्लग में लगा सकते हैं दूसरा आपको मैंने बैटरी निकाल के बैटरी के ऊपर भी डायरेक्टली लगाना चाहें तब भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर इसकी जो है होंडा की ब्रांडिंग मौजूद है उसके साथ ही जो है इसकी वोल्टेज एम्पेयर भी मौजूद है वन पॉइंट इसके ऊपर मैंशन है अड़तालीस वोट और चार एमपेयर का ये चार्जर है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी चार्जर काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में बना हुआ है और दूसरा जैसे ये फुल होगा तो यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो ग्रीन ऑटोमेटिकली हो जाएगी अभी रियर के आपको जो है शॉक सस्पेंशन चेक करवाते हैं रियर सस्पेंशन भी इसकी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल बनाई गई है और काफ़ी अच्छे किस्म के शॉक है मैं बैठ के भी आपको इसकी सस्पेंशन चेक करवाता हूँ कि होंडा के जो का जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी का काफ़ी अच्छा है सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर यूज़ की गई फ्रंट भी बैक भी और इसके साथ ही जो इसकी लाइट्स वगैरह हैं बैक के ऊपर ये ब्रेक लैम्प है ये भी आपको चेक करवाते हैं ये इसकी जो है वो डे टाइम रनिंग के ऊपर लाइट है उसके साथ जैसे आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये साइड पर लाइट काफ़ी ग्लो करती हुई नज़र आती हैं और टर्न सिग्नल्स जो हैं वो भी इसी के अंदर ऐसे इंडिकेट करते हुए आपको नज़र आते हैं राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर खूबसूरत किस्म का यूनिक डिज़ाइन है अभी बात कर लेते हैं इसकी मोटर की तो इसकी जो बेसिकली मोटर है वो बॉश की है बॉश आप जान सकते हैं काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर जो है अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है गाड़ियों के लिए भी और बाइक्स के लिए भी तो होंडा ने भी इससे जो मोटर है वो बहुत सही बनवाई गई है और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग भी मौजूद है एस ज़ीरो एट मॉडल है यहाँ पे भी होंडा की ब्रांडिंग मौजूद है क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर बैक के ऊपर भी सेम टायर यूज़ किया गया है जैसा कि फ्रंट के ऊपर है अस्सी सौ दस का टायर है टी प्लस टायर इसके अंदर यूज़ किया गया है अभी इसके ऊपर यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइड पर पैडल की भी ऑप्शन मौजूद है तो इसमें यह है कि इनकेस आपकी कहीं चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो परसेंट पर चली जाती है तो पैडल की मदद से भी इजीली आप राइड कर सकते हैं तो ये ऑप्शनल होता है इसके अंदर आप रिमूव करना चाहें लगाना चाहें तब भी इजीली ये ए डी अटैच हो जाते हैं तो इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है जैसे आप इसको कोई भी लॉक इसको आप लगा देंगे उसके बाद कोई छेड़ेगा तो उसके अंदर अलार्म सिस्टम मौजूद होता है जिसकी मदद से ये इसका जो अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इसके जो व्हील भी है वो भी ऑटोमेटिकली जाम जैसा कि अभी इसका सिस्टम एक्टिव हो चुका है और इसके जो व्हील है ये भी जैम है मतलब आपके व्हील ये मूव नहीं करेगा वहीं पे ऑटोमेटिकली जैम हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा एडवांस सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया होंडा की जानब से बाकी बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग इसकी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वाइट ए बी मटेरियल के अंदर यूज़ किया गया इसकी बॉडी डिज़ाइन की गई है बाकी जो लोग स्पेशली रालपिंडी इस्लाबाद सराउंडिंग्स से हमारा आउटलेट जो है न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मेन मरी रोड वारिस खान शॉप लोकेटेड आप विजिट कर भी सकते हैं और तमाम जितने भी इसके अंदर होंडा सीरीज के अंदर मॉडल है वो भी आप चेक कर सकते हैं और अलहमदिल्ह 200 प्लस यूनिट जो है इस टाइम सोल्ड आउट हो चुके हैं किसी की भी अलहमदिल्ला में कम्प्लेन नहीं है उसकी मेनली वजह यह है कि होंडा का अपना एक स्टैंडर्ड है जिस वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है तो इस वाले से इलेक्ट्रिक में कम रेंज में अच्छी क्वालिटी में बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और दूसरा जो इसकी वेट की बात करें इसका बहुत लाइट वेटेड है 54 फोर के जी का जो है लाइट वेटेड है तो इसमें इजीली जितने भी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहिए उसके लिए बेहतरीन अच्छी चीज़ है और बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है तो जीवर ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको एस जीरो के बारे में कंप्लीट डिटेल इसके स्पैक्स फीचर डिस्कस किए हैं बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और जैसा कि आपको बताया कि जो भी आप प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी के ऊपर जाते हैं उसकी प्राइस होती है अब कुछ लोगों का प्राइस भी बताते हैं सबसे पहले इसकी जो प्राइस है थ्री थर्टी फाइव है तीन लाख पैंतीस हज़ार रुपये और कुछ लोगों का कमेंट होगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस है तो बहुत ज़्यादा प्राइस वालों के लिए जवाब है कि अभी रिसेंटली बेल ने लॉन्च किया है एटलस होंडा ने उसकी प्राइस है चौदह लाख रुपये उस बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा बाकी जैसे कब पता है कि होंडा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट बनाता है तो उस वाले से इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और दूसरा जो सबसे मेनली वजह आती है पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह यह है कि हमारी जो करेंसी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डॉलर काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से इसकी जो प्राइस वैल्यू ये है केस अल्लाह करे कि प्राइस डाउन हो डॉलर के हिसाब से प्राइस भी कम होगी मुल्क के अंदर लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है नजर आ रहा बहरहाल दुआ है कि अल्लाह करे काम हो तो बाकी इसमें मजीद भी जितने भी मॉडल्स वाले से डिटेल रिव्यू करेंगे उसकी टेस्ट राइड भी करेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से मॉडल का आपको पहले रिव्यू चाहिए हम कोशिश करेंगे उसका रिव्यू सबसे पहले आपके लिए लेके आए और इसके साथ ही जमारादा सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलेगा तो इसके साथ ही फैसल मुगल को इजाजत दें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेबलेस अल्लाह हाफिज़